आइए जानते हैं कब और कैसे करें महालक्ष्मी व्रत की पूजा और उद्यापन। महालक्ष्मी व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत कब से आरंभ है और कब समाप्त? महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों करे जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत न कर सकता हो तो वह अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिन का व्रत रख सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, कभी धन की कमी नहीं होती, जीवन की समस्त परेशानियों का नाश होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है। पूजन की सामग्री, इसमें श्री गजलक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, बैठने के लिए आसन, रुपया, धूप दीप, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूल माला, दुर्वा, धागा जो कच्चे सूत का बना होता है, सुपारी और नारियल। इसमें धागा आप रेशमी भी ले सकते हो। कैसे करें महालक्ष्मी व्रत की पूजा? महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में एक चकोर सा घर बनाएं और उसमें महालक्ष्मी के चरण बना लें। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछा कर बैठ जाएं। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधे। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। उसके पश्चात कलश में जल भर कर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। उसके बाद कलश की पूजा करें, फिर गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं, रोली चावल चढ़ाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दुर्वा, नारियल, सुपारी चढ़ाएं, सामर्थ्य के अनुसार सोना और चांदी, रुपया भी चढ़ाएं। पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली चावल पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। स्वागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के उद्यापन अवश्य करें। कथा इस प्रकार है।
प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजन विधि से करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी की स्थायी निवास हो, मेरे पास धन धान्य की कभी कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु के कथा अनुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वह जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले माँ लक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए माँ लक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामनाएं पूरी करी। वो लक्ष्मी माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता लक्ष्मी से प्रार्थना। हम सभी माँ लक्ष्मी के सभी रूपों को बार बार प्रणाम करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी, हे माता अमृत स्वरूपा, हे सत्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, हे योग लक्ष्मी, हम सभी आपको बार बार प्रणाम करते हैं, आपको नमन है।